इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। कालू राम केशव लोहार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की समस्या के बारे में जनप्रतिनिधि व भारत सरकारों द्वारा निजात के विषय में अवगत कराते हुए भारत सरकार उन वासियों की मदद में आगे आई व उन्हें उनके घर भेजने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और एक राज्य का कर्तव्य है अपनी जनता की रक्षा करे। जब प्रजा खुश नहीं रहेगी। इंडिया आज तक मंडल हेड प्रयागराज, संवाददाता अजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं कालू राम जी लोहार, गुजरात प्रांतीय ओबीसी बेकार मंच का सह संयोजक हूँ। मैं आज प्रवासी भाइयों के बारे में और हमारे जो प्रवासी भाइयों के जो राजस्थान में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो राजस्थान भाइयों की जो समस्या है उसके बारे में घूमना करने की बात करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे विश्व के अंदर ये जो महामारी की बीमारी फैल रही थी उसके अनुसंधान में 24 तारीख को रात को 8 बजे एक संबोधन किया। उसमें पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने ये जो लॉकडाउन लागू किया उसकी हम सराहना करते हैं, ताकि देश के अंदर जो ये बीमारी फैलने वाली थी उसको रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन लागू करने से पहले पूरे देश में, पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जिस देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस देश में जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इस देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस देश में जितने भी प्रशासन में लोग बैठे हैं, उन सभी की राय विचार करके फिर ये लॉकडाउन का नियम लागू करना चाहिए था, ताकि आज जो इस देश के अंदर जो प्रवासी लोगों के साथ में और जो इस देश में भूखमरी की महामारी फैल रही है उसको रोका जा सकता था। मोदी जी को ये नियम लागू करने से पहले जनता को समय देना चाहिए था कि हम 4 दिन के अंदर ये फ्लाइटें बंद करने वाले हैं, 4 दिन के बाद हम रेलवे बंद करने वाले हैं, 4 दिन के बाद हम लोग पूरे देश में जितने भी सड़क के यातायात साधन बंद करने वाले हैं। लेकिन ये मोदी जी ने सोच विचार के जरा देश में जितने भी ये संस्थाएं उनसे राय विचार करके ये कार्य करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये बीमारी को रोकने के लिए उनको ये पगला भरना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए हम भी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये लागू होने के बाद में इस देश के अंदर जो प्रवासी भाइयों की अफरा तफरी फैल गई थी, इस देश में लोग मजदूर हैं, कारीगर हैं, इस देश में छोटे छोटे व्यापारी लोग अपने परिवार के साथ में जो प्रदेशों में बैठे हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले तो इस बीमारी को नहीं समझा कि ये बीमारी क्या है। उस बीमारी के बारे में भी इस देश की सरकार को लोगों तक ध्यान देना चाहिए था कि ये बीमारी ऐसी है, लेकिन वो भी लोगों को इस बीमारी के बारे में इतना मालूम नहीं था, ताकि देश के अंदर जो गांवों में लोग अनपढ़ लोग बैठे हैं, गांवों में जो इस बीमारी को अनजान लोग बैठे थे, उन्होंने ये 21 दिन का लॉकडाउन लागू करने से उनके परिवारों में और जो प्रवास में लोग बैठे थे उनके अंदर एक भय पैदा हो गया था। उस भय की वजह से लोग साधन मिला, रोड पे आकर अपने पैदल गांवों की तरफ रवाना हो गए और लाखों की तादाद में लोग रोड ऊपर उतर गए। रोड उतरने के बाद में धीरे धीरे प्रशासन के द्वारा थोड़ा थोड़ा हर स्टेट में, हर राज्य में पब्लिक को थोड़ी थोड़ी सहायता दी, लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने दिनों दिन इस लॉकडाउन को कड़क से कड़क करते गए। उस वजह से जो अन्य राज्यों की जो सीमाएं थी उनको सील कर दी गई। उस सीमाओं को सील करने के हिसाब से हमारे प्रवासी भाई जो बीच में क्वारंटाइन में उनको रखा गया, आज 20-25 दिन हो गया, उनका परिवार काफी चिंतित है। तो मैं इन चिंतन के हिसाब से
मैं देश के जितने भी हमारे राजस्थान के अदर राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो अपने भेदभाव रवैये के हिसाब से जो भी सक्षम लोग हैं उन सक्षम लोगों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने गांव में और अपने प्रदेश में उनको ला रहे हैं, लेकिन जो भी आदमी जिनकी राजनीतिक पहुंच नहीं है, जिनका कोई प्रशासन में दबाव नहीं है, वो लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान में अच्छे दिन से जो MLA लोग जो मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखते हैं वो पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। मैंने इसके बारे में आगे भी सरकारों को अवगत भी करवाया है और देश में जो प्रवासी भाइयों के बारे में जो समस्या खड़ी हुई है, जो अफरा तफरी का माहौल, जो भूखमरी का माहौल पैदा होने वाला है, उसके बारे में भी मैंने नरेंद्र मोदी जी साहब को और देश के अन्य भी पदाधिकारियों को और सरकार के मुख्यमंत्रियों को भी इस बारे में हमने अवगत करवाया है, लेकिन उन लोगों ने जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो रास्ता नहीं अपनाया। तो मैं राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो BJP के नेता लोग हैं, वो लोग मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखते हैं, जबकि कर्नाटक, केरला, आंध्रा, तेलंगाना और जो कलकत्ता में लोग बैठे हैं, जो महाराष्ट्र में लोग बैठे हैं, जो गुजरात में लोग बैठे हैं, वो एक अंतर्राज्य सीलें लागू हुई है, वहां पे राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है इसके बारे में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके बारे में डिसीजन ले सकता है। तो मैं उन